आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका? ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। ठीक है, ओपन कॉइल्ड क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग को भी हम लोग किस फॉर्म में डिस्कस किए थे? दो तरीके से डिस्कस किए थे, एक बार जब उसका एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा था और एक बार उस पे जब एक्सियल ट्विस्ट अप्लाई हो रहा था। सिमिलरली हम लोग ओपन क्लोज हेलिकल स्प्रिंग को भी डिस्कस करेंगे दो पार्ट में, एक बार जब उस पे एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है और एक बार उस पे जब क्या हो रहा है, एक्सियल ट्विस्ट अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहला क्या है आपका, जिस ओपन क्लोज कॉइल है जिसमें हम लोग एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओपन कॉइल में हमेशा हम लोग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, कोई भी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लोज कॉइल में दोनों क्रॉस सेक्शन हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, अब सेकंड चीज ये देखो कि ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कब बोलेंगे और क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कब बोलेंगे। लास्ट लेक्चर में ये चीजें जब बता रहे थे तो छूट गई थी। ठीक है, देखो जब भी आपका हेलिक्स एंगल, ठीक है, जब भी आपका हेलिक्स एंगल लेस देन 10 डिग्री है, ठीक है, हेलिक्स एंगल अगर आपका लेस देन 10 डिग्री है तो वो जो हेलिकल स्प्रिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, जब आपका हेलिकल हेलिक्स एंगल लेस देन 10 डिग्री है तो आपका जो स्प्रिंग होगा हेलिकल स्प्रिंग उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। जब आपका हेलिक्स एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री होगा, ठीक है, हेलिक्स एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री, ठीक है, व्हेन हेलिक्स एंगल ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, ग्रेटर देन 10 डिग्री एंड इट्स एंड्स Ends, ends are not supported, ठीक है, और उसके जो ends हैं, वो किसी भी support से नहीं है, ठीक है, उसको किसी भी support से link नहीं किया गया है, then the helical spring is known as, then the helical spring is known as open coiled helical spring, known as ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, किसी भी हेलिकल स्प्रिंग को हम लोग ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग कब बोलेंगे, जब उसके सपोर्ट्स जो होंगे वो फ्री हो, ठीक है, दोनों एंड्स क्या हो, फ्री हो, और जो हेलिक्स एंगल है वो कितना हो, ग्रेटर देन 10 डिग्री हो। ठीक है, तो उस तरह के हेलिकल स्प्रिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग कहेंगे। ठीक है, नाउ आपका आता है कि क्लोज कॉइल कब बोलेंगे, तो क्लोज कॉइल जब आपका हेलिक्स एंगल लेस देन 10 डिग्री होगा और उसके सपोर्ट्स वन या दोनों, दोनों हो सकते हैं सपोर्टेड, दोनों पे कुछ ना कुछ फिक्स हो या फिर एक कोई फिक्स होगा, तो वहां पे आपको क्या बोलोगे, उसको क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग बोलोगे। क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पे हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब भी स्प्रिंग की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली निकालते क्या है, हम लोग को फाइंड आउट करना होता है कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है पर्टिकुलर स्प्रिंग में ड्यू टू एक्सियल लोड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक्सियल लोड की बात हो रही है। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट ऑफ स्प्रिंग ले रहे हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग वायर की बात कर रहे हैं, पूरे स्प्रिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो फिगर हम ड्रॉ करेंगे वो पर्टिकुलरली एक स्प्रिंग वायर की बात करेंगे। ठीक है, सपोज कोई एक स्प्रिंग है,
ठीक है, ये कोई स्प्रिंग है, और जो आपकी एक्चुअल एक्सिस है एक्स एंड वाई वो ये हो गया एक्स एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई वाई एक्सिस। सेकेंड चीज इस पर्टिकुलर स्प्रिंग की एक्सिस, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्प्रिंग की एक्सिस ये हो गई दैट इज एक्स डैश, एंड इसके परपेंडिकुलर होगी आपकी ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स एक्सिस क्या है, जो हमारी ओरिजिनल एक्स वाई एक्सिस होती है, एक्स डैश एक्सिस क्या है, स्प्रिंग की एक्सिस है, क्लियर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्प्रिंग की अगर हॉरिजेंटल लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल लेंथ की बात करते हैं, डेफिनेशन सभी लोग लिख लिए हो, डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर हॉरिजेंटल लेंथ की बात करते हैं, हाँ ध्यान दो, तो हॉरिजेंटल लेंथ क्या होगा आपका, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी, ठीक है, और यहां तक से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज क्या होगा, 2πr होगा, दैट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर ही तो होगा किसी सर्कल का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ कॉइल किस हिसाब से निकालोगे, पेरीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो एक पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है, ग्रेटर देन 10 डिग्री है, ये जो हमारे ओरिजिनल एक्सिस से एंगल बन रहा है, सपोज ये बन रहा है अल्फा, ठीक है, जो स्प्रिंग की एक्सिस है एक्स डैश एक्सिस, वो हमारे ओरिजिनल एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, दैट इज अल्फा, क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग लेंथ ऑफ कॉइल निकालते हैं, ठीक है, यहां से हम लोग लेंथ ऑफ कॉइल निकालते हैं, फिगर देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है, और ये हमारा हो गया इंक्लाइंड डिस्टेंस, ठीक है, ये एंगल कितना है अल्फा, ये डिस्टेंस है 2πr, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2πr कैपिटल R sec अल्फा, क्लियर, ये होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कॉइल आपकी क्या हो गई, लेंथ ऑफ वन वायर या वन कॉइल कह सकते हो, दैट इज 2πr sec अल्फा, दैट इज स्मॉल l इज इक्वल टू, स्मॉल l ना लिखो, इसको बस लेंथ ऑफ वन कॉइल ही रहने दो, स्मॉल लेंथ टोटल लेंथ हो जाएगा, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, जब भी हम लोग पर्टिकुलर हेलिकल स्प्रिंग में हमारा जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड होता है या स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होता है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू टॉर्जन, ठीक है, लेकिन ओपन हेलिकल स्प्रिंग में, ठीक है, ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग में जब भी हम लोग टॉर्जन की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर कपल की वजह से जो लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो भी लोड अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि एंगल यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे जो हेलिक्स एंगल है इसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ग्रेटर देन 10 डिग्री है वो 20 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, और 10 भी हो सकता है, 11, 12 भी हो सकता है, तो ये एंगल हम लोग क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जो हमारा लोड अप्लाई हो रहा है, वो लोड क्या करेगा आपको कि दो कॉम्पोनेंट में, ठीक है, जो कपल जनरेट होगा उसको दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड करेगा, वो कॉम्पोनेंट क्या क्या होंगे, एक कॉम्पोनेंट होगा जो टॉर्जन होगा, और एक कंपोनेंट क्या होगा, बेंडिंग होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, टॉर्जन होगा, और एक कंपोनेंट क्या होगा आपका, बेंडिंग होगा, ठीक है। तो यहां से एक स्टेटमेंट लिख लो, दैट इज द कपल, कपल अप्लाइड टू द मटेरियल, अप्लाइड टू द मटेरियल under the applied load W, इस पे load कितना लग रहा है, capital W will be WR, ठीक है, कितना होगा कपल जो अप्लाई होगा पर्टिकुलर मटेरियल में, दैट इज द ट्विस्टिंग कपल या ट्विस्टिंग मोमेंट, दैट इज W into R, एंड एट ईच पॉइंट
अलोंग द लाइन ऑफ वायर, अलोंग द लाइन और एक्सिस ऑफ वायर कह लो, एक्सिस ऑफ वायर, दिस कपल मे बी, दिस कपल मे बी रिजॉल्व इन टू टू कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, दो कॉम्पोनेंट में वो रिजॉल्व होगा, वन इज टॉर्जन एंड अदर इज पेंडिंग, अदर क्या होगा, पेंडिंग होगा, क्लियर,
यहाँ तक क्लियर था कि दो कंपोनेंट जनरेट हो रहे हैं, कपल जो हमारा कपल लग रहा था W into R, उसकी वजह से दो कंपोनेंट जनरेट हो रहे थे, ठीक है। वो जो दो कंपोनेंट थे वो क्या था, एक टॉर्जन था और एक बेंडिंग था, ठीक है। एक क्या था, टॉर्जन, और एक क्या था, बेंडिंग, ठीक है। टॉर्जन जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उस टॉर्जन की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू आर कॉस अल्फा, और जो कपल बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर साइन अल्फा, क्लियर। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट किया, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी। अब हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए, एक बेंडिंग हो गया, एक टॉर्जन, तो दोनों की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर ड्यू टू बेंडिंग। उसका फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई, एंड ड्यू टू टॉर्जन वैल्यू जो होगी वो होगी टी स्क्वायर एल अपॉन टू सी आई पी, क्लियर। अब दो कंपोनेंट थे तो दोनों कंपोनेंट की वजह से हमारा जो एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है अलग अलग हो रहा था, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर्ड होगी स्प्रिंग में वो होगी U इज इक्वल टू एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई प्लस टी स्क्वायर एल अपॉन टू सी आई पी, ठीक है। ये हमारी टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगी स्प्रिंग में ड्यू टू इंटरनल कॉम्पोनेंट या इंटरनल बेंडिंग एंड टॉर्जन बोल सकते हो, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल लोड की वजह से, एक्सटर्नल लोड की वजह से क्या एनर्जी होगी, दैट इज यू इज इक्वल टू हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा, ठीक है। एक्सटर्नल लोड की वजह से जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी होती है वो कितनी होती है, यू इज इक्वल टू हाफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों स्ट्रेन एनर्जी एक पर्टिकुलर बॉडी पे यूज हो रही है, सेम बॉडी पे है, तो दोनों स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। हम लोग इक्वेशन वन और टू को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन वन और टू को इक्वेट किए, ठीक है, दैट इज क्या आएगा, वन बाई टू इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा इज इक्वल टू एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई प्लस टी स्क्वायर एल अपॉन टू सी आई पी, क्लियर। अब यहां से फिर हम लोग क्या किए, वैल्यू पुट किए एम और टी की, और एम और टी की वैल्यू फाइंड कर पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आया वो क्या आया, हाफ डब्ल्यू इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एल अपॉन टू ई आई प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एल अपॉन टू सी आई पी, दैट इज द इक्वेशन नंबर थ्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। अब यहाँ पे ई और आई तो क्लियर है, सी और आई पी भी पता है हमको क्या होता है, ठीक है। हमारे पास एल नहीं गिवन था, तो एक लेंथ का एक लेंथ जो था क्वाइल का उसका हमको पता था, दैट इज टू पाई आर इंटू सेक अल्फा, और उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वाइल्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, हमको टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग पता चल जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग हमारा कितना आ गया, टू पाई आर एन सेक अल्फा, कितना हो गया, टू पाई आर एन सेक अल्फा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन नंबर थ्री, इन इक्वेशन नंबर थ्री में हम लोग पुट करेंगे, व्हाट वी गेट, हाफ डब्ल्यू इंटू एल इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू टू पाई आर एन सेक अल्फा अपॉन टू ई आई प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू टू पाई आर एन sec alpha upon 2CIP. Now, W से W cancel हो जाएगा, ठीक है, W से W cancel हो जाएगा, और denominator में दोनों side क्या है, 2 है, तो ये value भी cancel out हो जाएगी। तो हमारा जो delta का formula बनेगा वो क्या बनेगा, W, ठीक है, W R cube N, यहाँ 2 pi W R cube N sec alpha, ठीक है, in bracket sin square alpha upon EI plus cos square alpha upon CIP, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा deflection का formula in case of open coiled helical spring subjected to axial load. एक्सियल लोड अगर किसी भी ओपन क्वायर्ड हेलिकल स्प्रिंग पे अप्लाई है तो
उसमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, 2πWR³ n sec अल्फा इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन ई आई प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन सी आई पी। क्लियर, यहां तक क्लियर? ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल ट्विस्ट। ठीक है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल ट्विस्ट। तो अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें क्या है, टी एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है ओ वाई एक्सिस पे। ठीक है, ओ वाई एक्सिस क्या है, यहां ध्यान दो। ठीक है, ओ वाई डैश कर लो, ओ वाई। क्लियर, ये जो आपका सपोज ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या है, ओ है। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, एक हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं टी का। ठीक है, एक टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं टी का। ठीक है, ये एक कॉम्पोनेंट बताया जा रहा है यहाँ पे फिगर में, एक कॉम्पोनेंट है। हम पूरे स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, पूरे स्प्रिंग में क्या है, वाई सेक्शन जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग हम एक क्या कर रहे हैं, टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्प्रिंग पे। तो उस पर्टिकुलर स्प्रिंग की वजह से या उस पर्टिकुलर टॉर्क की वजह से हमारा जो टॉर्क होगा वो दो पार्ट में या दो कॉम्पोनेंट में क्या होगा, रिजॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ फिगर दिख रहा है सबको। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कैपिटल टी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट में दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। दैट इज एक जो कंपोनेंट होगा वो क्या बताएगा, ड्यू टू बेंडिंग, और एक कंपोनेंट क्या बताएगा आपको, ड्यू टू टॉर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे एक एक्स एक्स एक्सिस पे इसका कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट कहां जाएगा आपका, वाई डैश एक्सिस पे। ठीक है, ओ वाई एक्सिस पे हम एक टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉर्क की वजह से हमारे दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। एक एक्स कंपोनेंट क्या शो करेगा आपका, टॉर्जन शो करेगा, और वाई कंपोनेंट क्या शो करेगा आपका, इस पर्टिकुलर टी की वजह से जो इस ओपन कॉइल में बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। क्लियर, ठीक है, ये क्लियर है। तो यहां पे आप लिख लो, दैट इज लेट द टॉर्क टी अप्लाइड अबाउट द ओ वाई एक्सेस एंड कैन बी resolved along the OX dash and OY dash axis of the spring। ठीक है, तो OY dash या OX dash पे component क्या आएंगे, component about OX dash, that is आएगा, suppose हम assume कर लें कि torsion आ रहा है। ठीक है, आप कोई भी assume कर सकते हो, यहाँ पे अजम्पशन यही है कि आप एक एक्सिस पे क्या मानोगे, टॉर्जन मानोगे, और अदर एक्सिस पे क्या मानोगे, बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे जो टी डैश आएगा, टॉर्क आएगा, वो क्या होगा, टी साइन अल्फा एंड कंपोनेंट
अबाउट ओ वाई डैश दैट इज बेंडिंग मोमेंट आएगा एम डैश और इसकी वैल्यू आएगी टी कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे टी ही अप्लाई हो रहा है, टॉर्क ही अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या होगा, ड्यू टू टॉर्जन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू टॉर्जन प्रोड्यूस्ड, और ये कंपोनेंट होगा ड्यू टू बेंडिंग। ठीक है, ये कंपोनेंट किसकी वजह से होगा, ड्यू टू बेंडिंग। नाउ एक और एजम्पशन हम लोग करते हैं, ठीक है, एक और एजम्पशन हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो टी डैश जो आपका एंगुलर ट्विस्ट आ रहा है या जो टॉर्जन टी डैश प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू टी अप्लाइड टॉर्क, उसमें जो आपका एंगुलर ट्विस्ट है, ठीक है, उसमें जो एंगुलर ट्विस्ट है वो कितना आ रहा है, फाइव डैश आ रहा है, वो कितना आ रहा है आपका, फाइव डैश आ रहा है, और मोमेंट एम डैश की वजह से जो वो स्प्रिंग ट्विस्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, थीटा डैश हो रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी अज्यूम फाइव डैश बी द एंगुलर ट्विस्ट ड्यू टू टी डैश, ठीक है, कॉमा थीटा डैश बी द एंगुलर ट्विस्ट ड्यू टू एम डैश जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से जो एंगुलर ट्विस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, थीटा डैश, एंड टी की वजह से जो एंगुलर ट्विस्ट हो रहा है दैट इज द फाई, फाई विल बी द एंगुलर ट्विस्ट ड्यू टू टॉर्क टी। ठीक है, टॉर्क टी की वजह से फाई आपका क्या हो रहा है, एंगुलर ट्विस्ट जनरेट हो रहा है। क्लियर, ये तीन कंपोनेंट्स क्लियर समझ में आया। ठीक है, now by the principle of conservation of energy क्या होता है, एनर्जी कैन बी नाइदर प्रोड्यूस ठीक है एनर्जी क्या होती है कि ना तो हम उसको कन्वर्ट कर ना ही उसको बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हम एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही प्रोड्यूस कर ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो क्या है, एक्सटर्नल जो लोड लग रहा था वो क्या था, कैपिटल टी, हमारे पास दो कंपोनेंट प्रोड्यूस हुआ दैट इज टी डैश एंड एम डैश, तो जो एक्सटर्नल कंपोनेंट था दैट इज हाफ टी इनटू फाइव, इसकी वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी या एनर्जी है वो क्या होगी आपकी, हाफ एम डैश थीटा डैश प्लस हाफ टी डैश फाइव डैश के इक्वल होगा। ठीक है, ये एनर्जी क्या होगी, इसके इक्वल होगी। नाउ और वी कैन राइट एज हाफ टी फाइव इज इक्वल टू, यहां पे एम डैश की वैल्यू पुट करो दैट इज क्या आएगा, टी कॉस अल्फा, एम डैश की वैल्यू क्या होगी दैट इज टी कॉस अल्फा, एम डैश की वैल्यू क्या होगी टी कॉस अल्फा एंड थीटा डैश प्लस हाफ टी साइन अल्फा फाइव डैश। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया। क्लियर, यहां तक क्लियर है,
बाय प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल के थ्रू हम लोगों ने ये डेटा लिख लिया। नाउ यहाँ पे हम लोगों को फाई और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, फाई और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू होगी फाई डैश, दैट इज क्या होगा आपका टी डैश, क्योंकि टॉर्क जो लग रहा है टी डैश लग रहा है, अपॉन एल इंटू सी आई पी। एंड थीटा डैश की वैल्यू होगी ड्यू टू मोमेंट है, ये हो जाएगा एम डैश एल अपॉन ई आई, ठीक है। तो फाई और थीटा डैश की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे अपने इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ फाई डैश एंड थीटा डैश इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन वी गेट व्हाट वी गेट हाफ टी फाई इज इक्वल टू हाफ टी साइन अल्फा टी डैश एल अपॉन सी आई पी प्लस हाफ टी कॉस अल्फा एम डैश एल अपॉन ई आई, ठीक है। अब यहाँ पे एम डैश और टी डैश की वैल्यू फिर से पुट करो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हाफ टी फाई इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एल अपॉन ई आई सॉरी सी आई पी प्लस हाफ टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा एल अपॉन ई आई, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, अब यहां से टी कैंसिल हो जाएगा एंड फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका फाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी टी साइन स्क्वायर अल्फा एल अपॉन सी आई पी प्लस टी कॉस स्क्वायर अल्फा एल अपॉन ई आई, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। एंड एल इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एल क्या आपका लेंथ ऑफ स्प्रिंग है और लेंथ ऑफ स्प्रिंग की वैल्यू कितनी होती है टू पाई आर एन सेक अल्फा, ठीक है। जो हम लोग इसके पहले न्यूमेरिकल डेरिवेशन किए थे ओपन कॉइल सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, ठीक है। यहां से आप फाई की वैल्यू एल की वैल्यू पुट करो इक्वेशन टू में तो हमारा फॉर्मूला जो आएगा लास्ट कंप्लीट फॉर्मूला टू पी आर एन पाई सेक अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन सी आई पी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ई आई, ठीक है। तो एंग ड्यू टू एक्सियल ट्विस्ट, ड्यू टू एक्सियल ट्विस्ट आपका एक्सियल रोटेशन कह सकते हैं या एक्सियल डिफ्लेक्शन कह सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी टू टी आर एन फाई सेक अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन सी आई पी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ई आई। जैसे हम लोग क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग में, ठीक है, क्लोज्ड हेलिकल स्प्रिंग में हम लोग एंगुलर रोटेशन फाइंड आउट किए थे, सेम वही चीज ये फाई क्या है आपका एंगुलर रोटेशन है, दैट इज द एंगुलर रोटेशन, ठीक है। ये फाई क्या है आपका एंगुलर रोटेशन है जब आपका ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल ट्विस्ट, एक्सियल ट्विस्ट में अगर या कोई टॉर्क अप्लाई हो रहा है ओपन कॉइल पे तो उसकी वजह से आपका एंगुलर रोटेशन कितना होगा दैट इज टू पाई आर टी एन सेक अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन सी आई पी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन ई आई। क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और कभी कभी पूछा है, ठीक है, उसका डेरिवेशन नहीं कराएंगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो, दैट इज द एक्सियल डिफ्लेक्शन की एक्स ट्विस्ट एंगुलर ट्विस्ट या एक्सियल ट्विस्ट प्रोवाइड करने पे एक्सियल डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ठीक है, एक्सियल डिफ्लेक्शन हमारा उस पर्टिकुलर स्प्रिंग में कितना आएगा। तो एक्सियल डिफ्लेक्शन दैट इज डेल्टा आपका आएगा टू टी आर स्क्वायर एन पाई साइन अल्फा इन ब्रैकेट वन अपॉन सी आई पी माइनस वन अपॉन ई आई,
ठीक है, कितना आएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 2TR स्क्वायर एन पाई साइन अल्फा इन ब्रैकेट 1/CIP माइनस 1/EI. आईपी क्या है? पोलर मॉडुलस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई क्या है आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ई क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. अल्फा क्या है? हेलिक्स एंगल. आर क्या है? मीन रेडियस. टी क्या है? अप्लाइड टॉर्क. ठीक है, और डेल्टा क्या है आपका? एक्सियल डिफ्लेक्शन. क्लियर? यहां तक क्लियर है?